अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आपका यासिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का व्लॉग मैं अपनी छत के ऊपर से शुरू कर रहा हूँ। आज मैंने सोचा कि कुछ चेंज होना चाहिए, तो दूसरा व्लॉग है मेरा, डे टू, और मैं अभी अपनी छत के ऊपर हूँ। और यहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्मोक लाहौर के अंदर अब आनी शुरू हो गई है। धुआँ धुआँ सा है, बहुत पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में। ये फॉग नहीं है, स्मॉग है। तो हम सब इससे बहुत तंग हैं, खांसी होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हम सबको इंडिविजुअली इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। किसी और का कोई हाथ नहीं इसके अंदर। हम पर्सनली एक एक के ऊपर ये डिवाइड होता है। हर कोई अगर कंट्रोल करेगा तो ये कंट्रोल लेगा, वरना ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आज जो है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं तकरीबन अभी टाइम हो रहा है 8:30, टाइम हो रहा है 8:30। तो आज मैं जल्दी उठा था अपने टाइम पे, तो मैंने अपनी सारी जो डेली रूटीन है, मॉर्निंग रूटीन, वो भी मैंने कर ली है। अब जो है मैं फ्री हूँ, और आज जो है मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि आज मैंने जाना है, हम लोगों ने गाड़ी लेनी है, सेकेंड हैंड देखना है हम लोग। तो आज एक गाड़ी देखने के लिए जाना है। मैंने कल देखी थी ऑनलाइन OLX के ऊपर, पाकविज के ऊपर, तो आज वो देखेंगे, जाएंगे, आपको वहाँ पे दिखाऊंगा वीडियो में कि वो कैसी लगी गाड़ी। और फिर अगर अच्छी लगी तो उसको लेंगे इंशाल्लाह, मैं पूरी वीडियो बनाऊँगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये घर अभी हम लोग अभी शिफ्ट हुए हैं रिसेंटली, कोई 3 महीने हुए हैं यहाँ पर शिफ्ट हुए। तो ये घर जो है वो मैंने ख़ुद बनवाया था, और अब्बू जो हैं वो कराची रहते थे, अभी वो यहीं पर ही हैं हमारे साथ। तो ये घर मैंने ख़ुद बनवाया था। मैं फाउंडेशन से लेके ऊपर तक पेंट, प्लास्टर और फिनिशिंग हर चीज़, बस अब लोग थोड़ा लकड़ी का काम रह गया था, तो वो अब दोबारा से बुला के और कर रहे हैं। मैं ये व्लॉगिंग जो है काफ़ी पहले से शुरू करना चाह रहा था, एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाह रहा था, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था मैं क्या कंटेंट अपलोड करूं, क्या चीज़ अपलोड करूं। मुझे एक है लड़का ज़ैनुलाब्दीन, आप सब काफ़ी फेमस है, सब जानते ही होंगे उसको। तो उसने बोला कि जी व्लॉगिंग से, वो इसी को बता रहा था, उससे इंस्पिरेशन हासिल करके मैंने कहा व्लॉगिंग से मैं पहले शुरू कर लेता। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी, मैं रोज़ इधर आता था, रोज़ कुछ नया होता था, रोज़ कोई नई चीज़ होती थी, मैं आपको डेली व्लॉग अच्छे से शुरू हो सकता, अब तक तो मैं अच्छा फेमस हो जाता। लेकिन जो है बस एक वो हिम्मत और चीज़ें नहीं बनी, लेकिन देर सही आया, सही, यानी कि देर से हुआ लेकिन हो गया, अल्लाह का शुक्र है देर से हुआ पर हो गया। तो आज फ्राइडे है, और हम लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ के तो फिर जाएंगे गाड़ी देखने के लिए। मैं वीडियो भी बना लूँगा गाड़ी की, और फिर आप लोगों को दिखाऊँगा कैसी थी। अगर हम लोगों को अच्छी लगी तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो कोई और सी देखेंगे। ओके जी, वेलकम बैक। तो हम लोग नमाज़ पढ़ के आ गए जुम्मे की। तो हम लोगों ने जाना था गाड़ी देखने के लिए, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था। अब दोपहर के 2:30-3 बज रहे हैं तकरीबन, तो मैंने उसको फ़ोन किया तो वो कह रहा था मुझे थोड़ा सा काम पड़ गया था तो मैं चला गया, तो 2-3 घंटे के बाद आप आ जाइएगा। तो अभी मैं जो है थोड़ी देर में निकलने लगा हूँ, इंशाल्लाह वहाँ जाके मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा गाड़ी की, और फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गाड़ी आपको कैसे लगी। हर बंदा जब कोई नई चीज़ ख़रीदने लगता है तो उसको काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, तो इसी तरीके से मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट है कि मैं अभी गाड़ी देखने के लिए जाऊंगा और उसको टेस्ट ड्राइव लेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अगर अच्छी लगी तो हम लोग ले लेंगे। तो मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट है कि हम लोग एक दूसरी गाड़ी ख़रीद रहे हैं, पहले भी हमारे पास है लेकिन वो थोड़ी पुरानी मॉडल की है, तो हम लोग दूसरी गाड़ी ख़रीदने के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, दोबारा मैं आ गया हूँ अपने कमरे में। तो हम लोग देखने गए थे गाड़ी, लेकिन एक तो जिस बंदे से हम लोग गाड़ी लेने के लिए गए थे उसने हमें काफ़ी इंतज़ार करवाया। सुबह फिर कहता रहा कि मैं 1 घंटे 2 घंटे आधा घंटे 1.5 घंटे, और फिर एट दी एंड रात को 8 बजे हमें देखने के लिए मिली गाड़ी।
अब मजे की बात ये कि जिस गाड़ी की तस्वीर ना उसने ऐड पे डाली हुई थी वो गाड़ी वो थी ही नहीं, वो गाड़ी उसने गायब कर दी थी। काफ़ी सारी चीज़ों से मैंने बैटरी देखी, काफ़ी सारी चीज़ें देखी। तो आप लोग ये देखें कि आज भी यानी कि लोग समझते हैं दूसरा बेवकूफ़ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पता चल गया कि वो गाड़ी नहीं है। और मैंने उसको बोला कि ये पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन सर्विस है, मैंने उससे इंस्पेक्ट करवानी है एक गाड़ी। तो कहता कि नहीं जी मेरी तो गाड़ी ये है, आप क्यों चेक करवा रहे हैं। तो मैंने कहा, फिर मैंने छोड़ दी गाड़ी, मैंने कहा नहीं नहीं अब इंशाल्लाह कल जाऊंगा मैं गाड़ी लेने के लिए दोबारा, मैं और मेरे साथ अब्बू होते हैं तो हम लोग देखने के लिए जाएंगे गाड़ी कल। तो दुआ करेंगे वो अच्छी सी गाड़ी मिल जाए मुनासिब पैसों में और बस अच्छा हो, ताकि ये हो कि कुछ अर्सा चल जाए, हमें दुख भी ना हो, हमारी वैल्यू टू मनी हो गाड़ी। बस यही बंदा चाहता है कि बस जब सेकेंड हैंड बंदा गाड़ी ले रहा हो तो वैल्यू टू मनी चीज़ मिल जाए, ये ना हो कि बंदे ने ले भी ली उसके बाद मज़ा भी नहीं आ रहा। तो उम्मीद करता हूँ कि कल हमें गाड़ी मिल जाएगी अच्छी। तो अब मैं फिर अपने कमरे में काफ़ी थका हुआ हूँ, काफ़ी ही ज़्यादा थका हुआ हूँ, क्योंकि मैंने फिर से काफ़ी काम करे वहाँ पे आगे। वो जब इंतज़ार करवा रहा था तो मैं और अब्बू आगे घूमने के लिए चले गए थे, पूरे बाज़ार में टाउनशिप में घूमते रहे, काफ़ी घूमते फिरते, खाना भी खाया हम लोगों ने बाहर ही। और फिर जब गाड़ी देखी उसके बाद हम लोग एक और जानने वाले थे उनकी दुकान पर बैठे रहे काफ़ी देर तक, बातें शातें करते रहे। फिर उसके बाद बाइक पर आना था, काफ़ी दूर से वापस आए, काफ़ी ज़्यादा थक गया। तो दुआ करता हूँ कि कल अल्लाह करे अच्छी कोई गाड़ी मिल जाए। कल मैंने मोबाइल भी लेना है मेरी सिस्टर के लिए और गाड़ी भी देखने के लिए जाएंगे। दुआ करें कि अच्छी सी कोई गाड़ी मिल जाए। और एक बात ज़रूर, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।